और अब बात केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की, जिनका कहना है कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ के हालातों से परेशान किसानों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। अगर राज्य सरकार किसी भी मदद के लिए डिमांड करती है तो केंद्र सरकार मदद को तत्पर है। उन्होंने प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होने का दावा किया है। कैलाश चौधरी से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कल जन्मदिन था। पूरे राजस्थान के अलावा देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी और ख़ास तौर पर तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था उनका जन्मदिन। काफ़ी सारे जो समर्थक थे उन्हें लगातार शुभकामनाएं दे रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में सांसदों की जो बैठक है उसमें मौजूद रहेंगे और ख़ास बात ये कि सतीश पूनिया साहब को भी बधाई और शुभकामनाएँ देने जा रहे हैं। उससे पहले हम बातचीत करते हैं, ये जो कार्यक्रम है सांसदों की यात्रा का, ये क्या कार्यक्रम है? जनसंपर्क का कार्यक्रम है और हमारे महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष की जो जयंती का कार्यक्रम है उसके अंदर 150 किलोमीटर हम पैदल जाकर हमारे क्षेत्र के अंदर जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुने। तो उसको लेके किसान के लिए आज कम लागत पर कैसे फसल पैदा हो और उसको उन्नत किस्म का बीज मिले और साथ ही उसका भंडारण हो और उसके साथ ही उसको मार्केट कैसे अवेलेबल हो, तो इसको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजट के अंदर 10,000 FPO बनाने की घोषणा की। ऐसा है जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर हमारे सांसद हैं, वो वहाँ पर गए मौके पर और हमारे अधिकारियों को भी हमने भेजा और हमने खुद ने भी जाकर मौके पर देखा है। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आए हुए हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार किसानों की किसी